हालेलुया, सब कुछ एमसी की प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि क्या आप छुटकारा चाहते हैं? हर एक चीज से छुटकारा। किससे छुटकारा? कि हर एक चीज से छुटकारा। अगर आपके परिवार में लड़ाई झगड़े के बंधन है तो परमेश्वर आज सुबंधनों को तोड़ेंगे। अगर आज आपके परिवार में गरीबी है तो परमेश्वर उस गरीबी को दूर करेंगे। अगर आपके परिवार में बीमारी के बंधन हैं तो परमेश्वर उन बंधनों को तोड़ेंगे। अगर आपके घर में कोई बीमारी है तो परमेश्वर आपके जीवनों से बीमारी को निकालेंगे। अगर आपके परिवार में अविश्वास है तो परमेश्वर आज इसी टाइम जब आप इस वचन को सुनेंगे तो आपके जीवनों से अविश्वास को निकाल लेंगे। अगर आपके परिवार में प्रेम की घटी है तो इस वचन को सुनते सार आपके जीवन में वो प्रेम, आपके परिवार में वो प्रेम बढ़ेगा। हालेलुया, आपके बंधन टूटेंगे इस वचन के द्वारा। मैं बताना चाहता हूँ कि क्या आप छुटकारा चाहते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहते हैं तो आपने क्या करना है, मैं आज आपको बताऊँगा, शॉर्ट टाइम बताऊँगा। प्रेरितों 12 अध्याय पढ़ेंगे, लिखा है कि सो अगर आप इन सब चीज़ों से छुटकारे को चाहते हैं तो आपने क्या करना है। कोई पहाड़ पे बैठकर कोई पूजा नहीं करनी, दोनों लातों को उठाकर पूजा नहीं करनी किसी की, कोई अपने सारे दिन हाथ नहीं उठाए रखने, एक टांग पे नहीं खड़ना, भूखे नहीं रहना, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ एक काम करना है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेरितों उसकी 12 अध्याय लिखा है कि जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आंदित होते हैं तो उसने पतरस को पकड़ लिया। वह दिन खमीरी रोटी का दिन थे, उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और चार चार सिपाहियों के चार पहरे में रखा, इस विचार से कि फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था परंतु कलीसिया उसके लिए लोल लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। एक काम, सिर्फ प्रार्थना। कैसी प्रार्थना? बहुत तरह की प्रार्थना होती है, मैंने भी यूट्यूब पर बहुत तरह की प्रार्थना सुनी है, लेकिन एक प्रार्थना। यूट्यूब की प्रार्थना सुनने से अलग बात है, लेकिन जो आपके मन की आवाज़ की प्रार्थना है आप उस पर गौर करें। आप बैठे प्रार्थना के लिए परमेश्वर घुटनों को टेकें, जैसी आपको प्रार्थना आती है और आपका मन जैसे कहता है वैसे प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन से अंधकार निकले, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में ऐसा हो, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में ऐसा हो, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में ऐसा कर। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते रहें और अपनी समस्याओं को परमेश्वर को आगे रखते रहें। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, उसकी महिमा करते रहें, उसकी स्तुति करते रहें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक काम करना है, अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो आपने क्या करना है, प्रार्थना करनी है अपने जीवन के अंदर। सबसे जरूरी बात क्या है? प्रार्थना। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। ना हम कुछ कर सकते हैं, ना आपका पास्टर कुछ कर सकता है, ना परमेश्वर कुछ कर सकता है, क्योंकि जब आपके जीवन में प्रार्थना ही नहीं है तो कैसे, अब मैं बैठा हूँ और मैं कैसे चल लूँगा जब मेरे अपने लाते ही नहीं चलाऊँगा। अगर आप मसीह में आ गए हैं, अगर मसीह में नहीं है कोई बात नहीं, अगर आपके जीवन में प्रार्थना है तो सब कुछ हो सकता है उस प्रार्थना के द्वारा। इधर के लिखा है कि जब पतरस को जेल में बंद कर रखा था, पतरस के जीवन में अद्भुत 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 काम उसने अपने जीवन में देखे कि प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े काम कर सकते हैं, तो ये तो छोटी मोटी बात है, मैं सेफ हूँ। उसने क्या किया, पतरस को चार चार पहरों के चार, इधर लिखा है कि चार चार सिपाहियों के चार चार पहरे में रखा, एक पहरे में नहीं, चार चार पहरों के अंदर। और इधर क्या लिखा है कि दो दिन जीरो से बंधा हुआ सिपाहियों के बीच में सो रहा था। क्या किया, चार जो थे वहां पर बंदीगृह के अंदर जंजीरों से बंधा हुआ, क्या हुआ, जंजीरों से बंधा हुआ, वहां पर वो क्या कर रहा है, रो रहा है, प्रभु तूने क्या किया, प्रभु तूने क्या किया, ऐसा नहीं बल्कि ऐसा कर रहा है, आराम से सो रहा, वो तो क्यों सो रहा है, क्योंकि उसने छुटकारे को पा चुका था, वो उसको पता था यह समस्या आ गई, प्रभु यीशु मसीह जी इस समस्या को दूर करो, ये घटना मेरे घटित होगी, प्रभु यीशु मसीह इस घटना को दूर करो, ये बीमारी आएगी, प्रभु यीशु मसीह उसने यहाँ से जो जगह है ये खाली जगह है, यहाँ पर एक बीमारी आ गई, खाली जगह थी वहाँ पर कभी बीमारी आ गई, लेकिन
पत्रस को पता था कि प्रभु यीशु मसीह के नाम उसके ऊपर जब रखते थे तो छुटकारे को पाते थे। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, छुटकारे को पाते थे। ऐसे ही क्या है, जब हमारे जीवन में खाली जगह में जब समस्या आ जाती है तो हम प्रभु यीशु मसीह से क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह से बीमारी को दूर करो। पत्रस को पता था कि जैसे ही मेरा वो महान परमेश्वर मुझे क्या है, बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। ऐसे ही उसके जीवन में क्या हुआ, जब पत्रस बंद था और वो क्या कर रहा है, वो सो रहा है, लेकिन उसकी कलीसिया लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। कैसी प्रार्थना, लो लगाकर, यह प्रार्थना नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसी प्रार्थना। एक बार एक औरत थी, पहाड़ी इलाके में रहती थी, वो क्या कहती कि उसने कपड़े सुखाने थे। जो पहाड़ था वो रास्ते में आता था, सूरज की किरणें उस पहाड़ पर लगकर उसके पास नहीं पहुँच पाती थी। उसने क्या किया, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि अगर आपका राय के दाने जितना विश्वास है तो सब कुछ हट जाएगा। लेकिन वो अंदर की घुटने टेक प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना करने लगी। एक घंटा प्रार्थना की और बाहर आ गई, देखा क्या देखा कि वहीं के वहीं वो पहाड़, वहीं का वहीं वो क्या था, वो पहाड़। हाँ, इसने कौन सा हटना था। हालेलुया। ऐसा नहीं होता। विश्वास जिस तरह है, हमें पता है कि इस बाइक की यहाँ से सर्विस खराब है, उस तरह परमेश्वर को पता है कि हमारे अंदर कितना विश्वास है। हम कितनी प्रार्थना करते हैं, कितनी लो से प्रार्थना करते हैं, कितने विश्वास से प्रार्थना करते हैं, और कितनी अविश्वास से प्रार्थना करते हैं, और कितनी कुड़कुड़ाकर, और कितनी अपने फायदे के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सिर्फ लो लगाकर प्रार्थना की, ना कुछ भी नहीं किया, ना किसी को घात किया, ना कि फीस दी, ना कि पैसे दिए, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ लो लगाकर प्रार्थना, सिर्फ लो लगाकर प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना करने से क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। जब प्रार्थना करने लगे, वहां पर लिखा है, देखो एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ। हालेलुया। क्या हुआ, एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ। हालेलुया। क्या लिखा कि एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पत्रस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है। क्या था कि एक स्वर्गदूत उसके जिस कोठरी में वो बंद था वहाँ पर एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ, उसने उसके पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और क्या हुआ, जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। कोई बड़ा काम नहीं किया इसने, कोई बड़ा काम कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसने क्या किया, सिर्फ मतलब सिर्फ इसने प्रार्थना की, लो लगाकर प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु जी, या कम कर दो, नहीं होता ऐसा नहीं, बल्कि उसको विश्वास था कि मुझे परमेश्वर बचाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाएंगे। और वैसा ही हुआ, स्वर्गदूत खुद खड़ा हुआ। हालेलुया। जंजीरें खुल गई, सब कुछ खुल गया, रास्ते खुल गए, जो चार चार गेट बंद थे वो सब खुल गए। हालेलुया। अगर बस 5 मिनट में बताता हूँ मैं आपको, फिर समाप्त करता हूँ। अगर आप भी किसी समस्या में हैं, किसी बंधन में है, अगर आप भी छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि हर परिवार में अलग दुख होता है, हर इंसान की अलग समस्या होती है, मैं सब समस्या का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपकी मतलब कि आपकी जो समस्या है, अगर आप चाहते हैं तो अपने घुटनों को टेक के और प्रार्थना करें, लो लगाकर प्रार्थना करें, प्रभु इस काम को कर, प्रभु इस काम को कर, प्रभु इस काम को कर। इसने सब क्या किया, जब लो लगाकर प्रार्थना की इसके लोगों ने, इस कलीसिया ने, तो इसने क्या किया, सबसे पहला काम कि स्वर्गदूत खुद खड़ा हुआ। हालेलुया। स्वर्गदूत क्या हुआ, खुद आके खड़ा हुआ। छोटी मोटी बात नहीं है कि एक स्वर्गदूत आके खड़ा हो जाए। हालेलुया। कुरनेलियस ने क्या किया, परमेश्वर अच्छा चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको पुकारा। अय्यूब ने क्या किया, अय्यूब परमेश्वर खरा था, खरा था, खरा था, खरा था, खरा था, तो क्या हुआ, परमेश्वर गवाही दे रहा शैतान को, अरे भाई तूने मेरा अय्यूब को देखा। हालेलुया। ऐसे ही तरह है कि जब आप प्रार्थना करेंगे तो यहोवा परमेश्वर एक स्वर्गदूत आपके जीवन में खड़ा करेंगे, आपके रास्ते में खड़ा करेंगे, आपके परिवार में खड़ा करेंगे और आपके साथ खड़ा करेंगे।
ताकि आपको कोई मुसीबत ना हो। उसके बाद क्या हुआ, पहला बात जब हम प्रार्थना करेंगे तो स्वर्गदूत खड़ा होगा। दूसरी बात क्या लिखी यहाँ पर कि उस कोठरी में ज्योति चमकी। हमारे जीवन में क्या होता है कि अंधकार होता है, इन आंखों से अपने देखते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा इन आंखों से अपने देखते हैं, इन आंखों के शैतान काला लगा रहता है टिक्का। कौन सा टिक्का? बीमारी का टिक्का, वह दिखता ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? दिख नहीं रही, सिर्फ समस्या समस्या, अंधकार 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 अंधकार। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं तो अपनी आंखें जब खुलती हैं तो हम एक नई रोशनी को देखते हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि पहला काम स्वर्गदूत खड़ा हुआ, और दूसरा काम क्या है कि आपके जीवन में ज्योति चमकेगी। हालेलुया। जहाँ पर अंधकार था अंधकार था अंधकार था, वहाँ पर एक ज्योति चमकेगी आपके जीवन में। हालेलुया। और तीसरा काम क्या होगा, यहाँ पे लिखा है कि बंधन टूट गए, जंजीरें। बंधन कौन कौन से बंधन होते हैं? लड़ाई झगड़े के बंधन, रिश्ते नहीं हो रहे हैं उसके बंधन हो गए, घर में लड़ाई झगड़े के बंधन हो गए, पारिवारिक समस्याओं के बंधन हो गए, और दुर्घटना होती उसके बंधन हो गए, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे उसके बंधन हो गए, असफलताओं के बंधन हो गए, बिजनेस में अड़चन आना उसके बंधन हो गए, बहुत सारे बंधन जो आपके जीवन में होते आ रहे हैं, इन बंधन जो जंजीर शैतान ने बांध रखी हैं, जब हम प्रार्थना करेंगे वो जंजीरें टूट जाएंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरा आज का टॉपिक क्या है कि आप छुटकारा चाहते हैं, आज आपके जीवन में छुटकारा आएगा। हालेलुया। पहला बात जब हम प्रार्थना करेंगे स्वर्गदूत खड़ा होगा हमारे जीवन में, फिर हमारे जीवन में अंधकार दूर हो गया कि ज्योति चमकेगी, और तीसरी बात कि जो हमारे बंधन हैं वो टूटेंगे। हालेलुया। वहाँ पे आप पढ़ोगे, वहाँ पे क्या लिखा है कि पत्रस को ऐसा लग रहा था कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। ऐसा ही आपके साथ होगा, आपको लगेगा कि अरे ये ऐसा कैसा हो गया, अरे मेरे जीवन में ऐसा कैसा हो गया, अरे मेरी बीमारी ठीक होगी, अरे मेरी रसोली ठीक होगी, अरे मेरी गांठ ठीक होगी, अरे मेरे लात का दर्द ही हो गया, अरे मेरे सिर का दर्द ही हो गया, मेरा ट्यूमर ठीक हो गया, मेरी नसें खराब थी वो सही होगी, मेरा जो बिजनेस रुका था वो सही होगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कब कैसे हो गया। हालेलुया। सिर्फ क्या करना है, हमने प्रार्थना। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करें, आशीष करें। आमीन। आए मैं इस वचन में प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, सच्चे मेरे पिता महान है मेरे पिता, इस वचन के द्वारा आशीष तो मेरे पिता, सिर्फ इन्होंने एक काम करना है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, सिर्फ प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, और इनके जीवन से हर तरह का बंधन टूटेगा मेरे पिता प्रार्थना के द्वारा मेरे पिता, क्योंकि मेरे पिता प्रार्थना में छुटकारा है मेरे पिता, प्रार्थनाओं में आशीष है मेरे पिता, प्रार्थना में मेरे पिता परमेश्वर एक नया जीवन है मेरे पिता। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई बीमार है आज ही इसी टाइम प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी दूर हो जाए, जो चल नहीं सकता वो आज चले, आप उठें और कोशिश करें चलने की, ये नहीं लेटे हुए ऐसा नहीं, बल्कि आप अभी उठने की कोशिश करें, और आप मुझे आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या दिया है, छुटकारा दिया है। और अगर आपके कोई भी गांठे हैं, कोई भी रसोलियां हैं, आपके गांठे सब बंधन अभी टूटेंगे इस प्रार्थना के द्वारा, आप उस गांठों पे हाथ रखें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ये सारी रसोलियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन शरीरों को छोड़ और निकल, हर तरह के कैंसर की बीमारी, हर तरह की पथरी की बीमारी, हर तरह का पथरी का दर्द अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकले, छुटकारा मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। बसा लखरा बना मरी बिला बरा बसा लखरा बना मरा बसा लखरा बना मा ओ रबला बरा बसा लखरा बना मरी बिसी लिखी रही नमा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का जलाल को इनके जीवन में उठेले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक को चाहते हैं आज इसी टाइम इनके जीवनों में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, तेरा जलाल तेरा अभिषेक उठेले मेरे पिता, जो तेरी सामर्थ चाहते हैं मेरे पिता, उनके जीवन में आज सामर्थ है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम के द्वारा मेरे पिता हर तरह के रोग इनके जीवन से निकले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हर तरह के छुटकारे को मांगता हूँ मैं मेरे पिता परमेश्वर के जीवन से मेरे पिता, इस वचन के द्वारा आशीष तो मेरे पिता, शैतान इस वचन को चुराने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इन सभी को आशीष कर दिया कर मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।